हो गई। हाँ टीचर, हो गए। ठीक है, पहले उसका आंसर दो, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर दो। पहले क्या आना चाहिए वहाँ पे डैश पे? यू एंड शी हैव ओके, वेरी गुड। अब वर्कशीट देखो, पहला सेंटेंस पढ़ो, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, सीरीज में पढ़ेंगे। जैसे पहले अश्विनी से स्टार्ट करते हैं, फिर वासंती तक जाएंगे। पहला पढ़ना अश्विनी। द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन डैश लुक वेरी हैप्पी। ओके, द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन डैश लुक वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे हम राइट आंसर क्या चूज करें? दे, शी और विद्या। दे, सब स्पीक सबके अकॉर्डिंग दे आना चाहिए। दे, ओके, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो, कौन था? रूपाली। द बॉयज आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, प्लीज आस्क डैश टू बी क्वाइट। हाँ, क्या आना चाहिए यहाँ? क्या आना चाहिए? देम। ये राइट ऑप्शन हो सकता है, हिम त्यांना सांगत। कौन सा चूज करो, दे, देम या हिम? सॉरी, वो करेक्ट हो गया अपने आप से, देम वॉज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पे आओ, पढ़ो नेक्स्ट पढ़े। Where is Rohan? I haven't seen Dash in several days. Answer he. I haven't seen he in several days. ये बोल रहे हो? Where is Rohan? I haven't seen in several. He is appropriate. He is सही है। गाला ना है। पढ़ो सेंटेंस को। Him होना चाहिए। The right correction हाँ, him होगा। Where is Rohan? I haven't seen him in several days. ठीक है? Okay. Next. राजू कंप्लेंट टू द टीचर डैश बाइसिकल हैड बीन स्टोलन। सॉरी सॉरी, हाँ पढ़ो। राजू कंप्लेंट टू द टीचर डैश बाइसिकल His bicycle has been stolen. Stolen. Haan. Hey, okay, correct hai. Next pe aate hain. My neighbors are some student dash are very noisy. Noisy. Noisy मतलब बहुत शोर मचाने वाले, ठीक है? हाँ. I had visited all of Dash friends, but none of Dash turned up. Sorry, I had invited all of Dash friends, but none of Dash turn up. हाँ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? थर्ड वन मैम, माय एंड ओके।
माय और ये वाला डे वाला राइट. आई हैव इनवाइटेड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स बट नन ऑफ डैश टर्नड अप. नन ऑफ दे टर्नड अप या देम टर्नड अप. दे और देम में कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे. हाँ. तो क्या चूज करूँ. अच्छा तुम लोग खुद अपने आप से अपना आंसर चूज करो. मैं हेल्प नहीं करूंगी. माय दे यूज दे बोल रहे हो तुम लोग. दे चेक करें. हाँ रॉन्ग था ये. देम आंसर था. ठीक है मैं बोल भी रही थी आई हैव इनवाइटेड यू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स बट नन ऑफ देम टर्नड अप. ओके ओके नेक्स्ट लिखो. सॉरी नेक्स्ट पढ़ो. I have never made gems and I don't know. Okay, I never made gems and I don't know. Don't know? Him bol rahe ho tum log. क्या आना चाहिए. Him. Okay. Next पढ़ो. Dash are going to the movie. Do you want to come with Dash? We are going to movies. Do you want to come with us? तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा फिर. We are going to the movies. Do you want to come with us? ठीक है ओके. नेक्स्ट सूजी इज अ नाइस गर्ल. एवरीवन लाइक्स डैश. क्या आएगा यहाँ पे. हर. हर. एवरीवन लाइक्स हर. ओके नेक्स्ट माय डॉटर एंजॉय वाचिंग कार्टून फिल्म्स. दिस सीडी इज फॉर डैश. माय डॉटर्स. ये चीज ध्यान में देना. डॉटर्स है यहाँ पे. डॉटर नहीं है. जास्त दिलेत म्हणजे देम. हा मध्ये देम. क्या चीज. देम. ओके गुड. सेंटेंस पढ़ो. ही स्मार्टर देन यू. ही स्मार्टर देन यू. ओके नेक्स्ट. ही लिव्स ऑन डैश. ही लिव्स ऑन डैश ओन टर्म्स. क्या आना चाहिए. ही लिव्स ऑन हिज ओन टर्म. हिज ना. हाँ हिज. ही लिव. हाँ सेकंड. क्या आना चाहिए. सेकंड वर्ड हिज. ओके हिज ओन वर्ड्स. पूरा सेंटेंस पढ़ा करो. जब आंसर चूज करते हो फिर पूरा सेंटेंस पढ़ा करो. टीचर इसका मीनिंग क्या आएगा सेंटेंस का. अच्छा मैं बता देती हूँ. द ओल्ड वुमन इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. ठीक है तो जो ग्रैंड मदर है वो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है मतलब अपने पोता पोतियों की बड़ी फॉन्ड है. मतलब बहुत ज्यादा उसको शौक है उनका. ठीक है तो अब यहाँ पे करेक्ट में क्या आना चाहिए. क्योंकि वुमन है तो वुमन के रेफरेंस में यहाँ पर आना चाहिए फिर ब्लैंक में. तो देखो क्या आएगा सही. ओके तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है. हर हर्स शी. शी तो सही नहीं है. शी गर्ल ग्रैंड चिल्ड्रन तो आएगा नहीं. हर या हर्स में से होगा.
अब हर ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर हर ग्रैंड चिल्ड्रन कौन सा सही होना चाहिए बताओ? मैंने हर भी सुना, मैंने हर भी सुना, तो क्या सही है, हर या हर्स? हर ग्रैंड चिल्ड्रन, द ग्रैंड, द ओल्ड वुमन इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन. ओके, इसमें बताओ. Can you show me your passport? Can you show me dash passport? Your या yours? क्या सही ऑप्शन? Your second one. Your passport. Okay. I know dash and dash parents. I know. He and his parents. First one. He and his, ये वाला. I know he and his parents. नहीं. Himself and his. गलत. Second और third में से कोई एक है. I know dash and parents. अभी देखो अभी समझाया था तुम लोगों को. हो जाता है third person. आई नो हिम एंड हिज पेरेंट्स. ओके, पेरेंट. हाँ, नेक्स्ट बताओ. दिस इज मास. कैन यू शो मी Can you show me yours? तो इसमें कौन सा योर आना चाहिए, कॉमा वाला या विदाउट कॉमा वाला? कॉमा नहीं, कारण टैक्स ना अपन बोलते ना ऑफ म्हणजे टैक्स देयर आवर्स एंड योर्स आर पोसेसिव प्रोनाउंस, दे आर यूज्ड अलोन, ये अकेले यूज होते हैं, तो योर्स के साथ आए. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं. ये चीज पढ़ाऊंगी, अभी मैंने ये चीज क्लियर नहीं करी है, तो मैं पोसेसिव प्रोनाउंस नहीं पढ़ाया अभी मैंने, तो इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में. अभी यहाँ पे भी जस्ट सॉल्व कर लो. दैट पर्स इज डैश. माजी ना माय है माय फर्स्ट वन. ओके, दैट पर्सन इज माय, मी और माइन, क्या आना चाहिए? माय. श्योर माय आएगा? हाँ, माय या माइन? माय म्हणजे माझी आणि माय म्हणजे माझं आणि मी म्हणजे मी. माय नाही माझी, ती पर्सन माझी, ती पर्सन माझी. माय माय टीचर माय. ओके, नेक्स्ट. दैट डॉग ऑफ दिस इज बार्किंग एंड दैट डॉग ऑफ युअर्स इज ऑलवेज बार्किंग. युअर इन आर फक्त फर्स्ट वन युअर. ओके, दैट डॉग ऑफ डैश इज ऑलवेज बार्किंग एट मी. योर योर्स योर्स क्या आएगा? फर्स्ट वन. द डॉग ऑफ योर इज ऑलवेज बार्किंग एट मी, ये वाला. हाँ, गलत हो गई, गलत है, मैंने बोला था गलत है. योर्स आएगा. सेंटेंस ऐसे बनेगा, द डॉग ऑफ योर्स इज ऑलवेज बार्किंग एट मी, तुम्हारा कुत्ता हमेशा मुझ पे भौंकता रहता है. योर्स आएगा. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस.
ये पढ़ो, whose bags is this? Question mark, it is dad. अब यहाँ पे सही है. ये वाला सही ऑप्शन होगा. हर्स, हर नहीं यूज होगा, इट इज हर तो ही हो जाएगा कि वो है, उसका है तो इसलिए हर जाएगा. ठीक है. ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू रिटर्न द कैमरा यू बोरोड फ्रॉम डैश, क्या आना चाहिए, आई, मी और माइन? When you are going to return the camera, I to borrow from dash. So तुमने जो कैमरा मेरे से लिया था, बोरो किया था, बोरो मतलब उधार पे लेना, राइट? किसी चीज को ले लेना, किसी से शेयर कर लेना. तो when you, तो तुम मेरा कैमरा कब वापस कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ क्या आना चाहिए, आई तो नहीं आएगा, आई तो फर्स्ट प्रेफरेंस में होता है ना, ये तो कैंसल हो गया. नेक्स्ट मी या माइन में से एक आएगा. अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बताओ. मी मी. ओके अश्विनी, मैंने वो टेबल सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे, चेक कर लेना. ठीक है, सबको दिखा भी देना. हाँ मैम. तुम्हारी सीएस क्लास का लिंक आ गया, तो क्लास ओवर करते फटाफट खत्म, ये पढ़ लो फटाफट कर लो. ये दो क्वेश्चंस और हैं, आई थिंक कितने, दो ही हैं. चलो, does she understand what dash is doing? क्या आना चाहिए यहाँ पे? she आना चाहिए. इसका कोई मतलब समझाएगा मुझे एक बारी, कौन सा सेंटेंस का मतलब समझाओ. Does she understand what she is doing? इसका क्या हिंदी में मतलब होगा? हाँ, क्या उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रही है? वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस. हाँ, next, what she says does make no sense to that. हाँ, अब बताओ यहाँ क्या होना चाहिए? What she says or does make no sense to me क्या? I hear say to me. Second, what she says or does makes no sense to me. देखो, इसका मतलब हुआ कि वो जो भी करती है या जो भी कहती है वो मुझे कोई सेंस नहीं बनता, मुझे कुछ समझ नहीं आता. मतलब मेरे को कोई सेंस का बेसिकली होगा मेक्स नो सेंस टू मी. मेरे को कोई मतलब समझ में ही ले लो कि मेरे समझ के परे है वो. हम बोलते हैं ना कि मेरे समझ के परे है, बेसिकली वो ही आएगा. मैं हिंदी में उसको बना नहीं पा रही हूँ. What she says or does. ठीक है, अभी ये चीज